अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम फार्माकोलॉजी में एक नई चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और वो है नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जिसको हम शॉर्टली एब्रिविएट करते हैं एनसेड। तो सबसे पहले इनकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से कैटेगरीज हैं और फिर उन कैटेगरीज में फर्दर सब क्लासेस कौन कौन से हैं और उन सब क्लासेस में या उन कैटेगरीज के अंदर कौन कौन से मेंबर ड्रग्स मौजूद हैं, तो उन क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हर एक ड्रग की फर्दर फार्माकोलॉजी को तफसील के साथ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। चलिए चलते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ। तो एनसेड को ऑलमोस्ट फोर कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, फोर कैटेगरीज, और वो हैं नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, प्रेफरेंशियल कॉक्स टू इनहिबिटर, हाईली सेलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर, एंड द फोर्थ वन इज एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ फोर इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। तो सबसे पहले जो कैटेगरी है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। नॉन सेलेक्टिव का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कॉक्स इनहिबिटर मीन इस कैटेगरी के अंदर जितने भी मेंबर ड्रग होंगे वो साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को इनहिबिट करेंगे। अब साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम कहाँ पे होते हैं, क्या करते हैं, उसकी इनहिबिशन, उसके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर, उसको तफसील के साथ नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप यहाँ पे जस्ट ये जानें कि कॉक्स एक एंजाइम है, साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम। इसके अंदर दो आइसोफॉर्म है, मीन सिंपली इसके दो टाइप्स हैं, कॉक्स वन कॉक्स टू। नॉन सेलेक्टिव का मतलब ये है कि ये कॉक्स वन और कॉक्स टू दोनों एंजाइम्स को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। इसी वजह से इस कैटेगरी में जितने भी ड्रग्स आएंगे वो सब नॉन सेलेक्टिवली, मीन कॉक्स वन और कॉक्स टू दोनों एंजाइम को की एक्टिविटी को इनहिबिट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉक्स वन प्लस कॉक्स टू, इन दोनों को ये इनहिबिट करेंगे। सेकेंड कैटेगरी है प्रेफरेंशियल कॉक्स टू इनहिबिटर। कॉक्स टू इनहिबिटर मीन ये नाम से जाहिर हो रहा है द नेम डिफेक्ट दैट दिस काइंड ऑफ ड्रग्स विल इनहिबिट कॉक्स टू बट प्रेफरेंशियली। यहाँ पे एक चीज़ है कि ये कॉक्स टू को इनहिबिट करती हैं इन कैटेगरी के मेंबर ड्रग्स, लेकिन प्रेफरेंशियली मीन के कॉक्स वन एंजाइम को भी ये इनहिबिट करते हैं, लेकिन रिलेटिवली कॉक्स वन के मुकाबले में कॉक्स टू की इनहिबिटिंग पावर जो है ये ऑलमोस्ट, बहुत सारे बुक्स लिखते हैं कि ऑलमोस्ट 100 टाइम्स एज कंपेयर टू कॉक्स वन इसकी एक्टिविटी कॉक्स टू के लिए ज़्यादा है, इसकी इनहिबिटिंग एक्टिविटी कॉक्स टू के लिए, इसकी सेलेक्टिविटी ऑलमोस्ट 100 टाइम्स है देन कॉक्स वन। तो ये थी इसकी डिस्क्रिप्शन। अब कैटेगरी थ्री को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है हाईली सेलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर। हाईली सेलेक्टिव का मतलब ये है कि ये कॉक्स वन को इनहिबिट नहीं करते, जस्ट सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली कॉक्स टू एंजाइम को, कॉक्स टू आइसो एंजाइम को, जो कि हमने कहा था कि ये कॉक्स एंजाइम एक सिस्टम है और इसके अंदर दो एंजाइम्स आते हैं कॉक्स वन और कॉक्स टू, तो ये कॉक्स टू को सेलेक्टिवली स्पेसिफिकली इनहिबिट करते हैं इस कैटेगरी के ड्रग्स। फोर्थ कैटेगरी है एनाल्जेसिक, मीन इस कैटेगरी के जितने भी मेंबर ड्रग्स हैं वो एनाल्जेसिक इफेक्ट रखते हैं, मीन पेन किलिंग इफेक्ट रखते हैं, एंटीफायरेटिक टेम्परेचर को डिक्रीज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, फीवर को डिक्रीज करते हैं, विद पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, इसकी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम है इस कैटेगरी के मेंबर ड्रग्स की, लेकिन ये दो एक्टिविटीज़ इनकी काफ़ी हद तक ज़्यादा है। अब थोड़ी बहुत यहाँ पे डिस्कस करते हैं, इसमें जो सबसे इन कैटेगरीज में जो सबसे बड़ी कैटेगरी है वो है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, और इसके अंदर बहुत सारे सब क्लासेस आते हैं, सिलिसाइलेट, फेनेमिक एसिड, और इसके अलावा इनोलिक एसिड, एसेटिक एसिड डेराइवेटिव्स और कई सारे। तो फेनेमिक फैमिली नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर में आती हैं, ऑक्सिकेम फैमिली वो भी इस कैटेगरीज में आते हैं,
और यहाँ पे एक चीज़ आपके लिए मैं एक साइन के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ, हाईली सेलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर के जितने भी मेंबर ड्रग्स होंगे उसको हम कॉक्साइब फैमिली कहेंगे। कॉक्साइब का क्या मतलब है कि इनके अंदर जितने भी मेंबर ड्रग्स होंगे उनके नामों में कॉक्साइब की वर्ड एज ए सफेक्स यूज़ होगी, कॉक्साइब की वर्ड आपको देखने को मिलेगी। इससे आप इंडिकेट करते हैं कि ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब हमने इनसेट के चारों कैटेगरीज डिस्कस कर लिए, अब हर कैटेगरी को सेपरेटली डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर कितने ड्रग्स हैं और क्या क्या सब फैमिलीज और सब ग्रुप्स हैं। तो चलिए चलते हैं इसकी फर्स्ट कैटेगरी की तरफ, नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर के अंदर ऑलमोस्ट 5 सब ग्रुप्स हैं, मीन सब क्लासेस हैं। उन सारे 5 सब क्लासेस के अंदर फिर फर्दर जो हैं सेपरेट ड्रग्स हैं, तो उन सब को डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आपने इन 5 सब कैटेगरीज को किस तरह याद रखना है, तो इसके लिए मैंने एक निमोनिक बनाई है, सेफ प्लेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेफ प्लेस, सेफ मीन महफूज जगह। तो सेफ इनकी जो इंग्लिश वर्ड है इनके लेटर्स को आपने याद रखना है, एस मीन सेलिसाइलिक एसिड, ए मीन एसेटिक एसिड, एफ मीन यहाँ पे आप देख सकते हैं इस साइड पे फेनेमिक एसिड, ई मीन इनोलिक एसिड और पी मीन प्रोपियोनिक एसिड। तो सेफ प्लेस के नाम से आपने इनके सब कैटेगरीज को याद रखना है। और फिर अब डिस्कस करते हैं कि इनके सब कैटेगरीज में फिर कौन कौन से ड्रग्स हैं और इनके फर्दर कैटेगरीज क्या हैं। सेलिसाइलिक एसिड में 2 ड्रग्स आते हैं, एस्प्रिन और डाइफ्लुनिसाल। तो ये तो 2 है और ये आसान भी है, मोस्टली एस्प्रिन की यूज़ बहुत कॉमन है, इसी वजह से इसके लिए निमोनिक्स नहीं बनाएंगे। सेलिसाइलिक एसिड में एस्प्रिन आपने याद रखना है, डाइफ्लुनिसॉल याद रखना है। प्रोपियोनिक एसिड की जो निमोनिक है वो है एफ इंक, एफ मीन फर्स्ट इंक, पहले CI। जो पिन में सबसे पहले आप जब राइटिंग करते तो इससे पहले आप CI डालते हैं, इंक डालते हैं, तो एफ इंक। तो एफ से फ्लू बाय प्रोपेन, आइब्यूप्रोपेन, आई से, एन से नेप्रोक्सिन, के से कीटोप्रोपेन। तो ऑलमोस्ट प्रोपेन जो है ये प्रोपियोनिक एसिड की इंडिकेशन करती है कि ये इस सब कैटेगरी से ये ड्रग बिलोंग करते हैं। तो एफ एन के निमोनिक से आपने इनके मेंबर ड्रग्स याद रखने हैं। अब आते हैं एसेटिक एसिड डेराइवेटिव्स की तरफ। तो एसेटिक एसिड डेराइवेटिव के लिए जो निमोनिक हैं वो है K2 एंड डोमेन। आजकल K2 अली सतपारा की गुम होने के बाद K2 एक बहुत ही हॉट टॉपिक है डिस्कशंस के लिए, तो यहाँ से आप याद सकते हैं K2 एंड डोम। के मीन कीटोरोलैक, एंडोम मीन मतलब K2 की चोटी है, उसकी शक्ल जो है डोम की तरह है, तो एंडोम मीन एंडोमितसिन, K2 एंडोम मीन एंडोमितसिन। तो ये 2 ड्रग्स एसेटिक एसिड डेराइवेटिव्स के सब कैटेगरीज में आते हैं। अब चलते हैं फोर्थ कैटेगरी सब कैटेगरीज की तरफ। तो यहाँ पे इनोलिक एसिड ई सेफ प्लेस में जो ई की लेटर है यहाँ से हम इनोलिक एसिड डेराइवेटिव्स की को लिंक करेंगे, इस निमोनिक से हम इस सब कैटेगरी को लिंक करेंगे। फिर इस सब कैटेगरी के अंदर जो ड्रग्स हैं उसके लिए अलग निमोनिक है, PTL। मेडिकल के टर्म में PTL को हम शॉर्टली एब्रिविएट करते हैं फॉरवर्ड फॉर प्राइमरी थायराइड लिम्फोमा। प्राइमरी थायराइड लिम्फोमा से PTL बनता है और PTL से आपने फिर साइन को यूज करके ये नाम याद रखते हैं। साइन इसका क्या है, इनोलिक एसिड का ऑक्सिकेम, इसको हम ऑक्सिकेम फैमिली भी कहते हैं। इसके जितने भी मेंबर ड्रग है, इनोलिक एसिड डेराइवेटिव्स के जितने भी मेंबर ड्रग्स हैं उन सब के नामों में ऑक्सिकेम की वर्ड आपको देखने को मिलेगी, इसीलिए हम इसको ऑक्सिकेम फैमिली कहते हैं। तो PTL से आपने यहाँ पे याद रखा, पी से पायरोक्सिकेम, टी से टीनोक्सिकेम, एल से लोरनोक्सिकेम। तो ये तीनों ड्रग्स जो हैं ये इनोलिक एसिड डेराइवेटिव्स हैं। अब आते हैं फेनेमिक एसिड डेराइवेटिव्स की तरफ। तो फेनेमिक एफ से एफ, यहाँ इस लेटर से आपने एफ को लिंक करना है फेनेमिक एसिड डेराइवेटिव्स को। फिर इसकी अपनी निमोनिक है FM ट्रांसमिटिंग म्यूजिक, जो रेडियो FM होता है वो क्या करता है, म्यूजिक को ट्रांसमिट करते हैं। तो F से आपने याद रखना है, साइन इसकी क्या है,
फेनेमिक एसिड है तो फेनेमिक एसिड इसकी साइन है। इसके जितने भी मेंबर ड्रग्स होंगे उन सब के नामों में फेनेमिक एसिड एट द एंड सफिक्स के तौर पे यूज होगा। तो एफ से आपने याद रखना है फ्लूफेनेमिक एसिड, एम से आपने याद रखना है मेफेनेमिक एसिड, मेफेनेमिक एसिड, टी से ट्रांसमिशन ट्रांसमिटिंग से आपने याद रखना है टोलफेनेमिक एसिड, एम से आपने याद रखना है मेक्लोफेनेमिक एसिड। तो ये थी इसकी साइंस और इसकी निमोनिक्स, होप सो यू अंडरस्टैंड इट। और मैं साइट पे होता हूँ, अगर कोई इससे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यू कैन टेक इट। अब इसकी सेकंड कैटेगरी को डिस्कस करते हैं। तो सेकंड कैटेगरी प्रेफरेंशियल कॉक्स टू इनहिबिटर, प्रेफरेंशियल कॉक्स टू इनहिबिटर का मतलब ये है कि ये कॉक्स वन इनहिबिटर एंजाइम्स को भी इनहिबिट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, लेकिन कॉक्स टू के लिए कंपैरेटिवली टू कॉक्स वन इसकी सेलेक्टिविटी, इसकी इफेनिटी थोड़ी ज़्यादा है, उसको इनहिबिट करने की कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा है, तो इसी वजह से हम इसको प्रेफरेंशियल कॉक्स टू इनहिबिटर्स कहते हैं। इसके अंदर, इस कैटेगरी के अंदर जितने ऑलमोस्ट फोर मेंबर ड्रग्स होते हैं, डिक्लोफेनिक, एसेक्लोफेनिक, तो फेनिक फेनिक डिक्लो एंड एसेक्लो, फेनिक फेनिक ये सेम है, नेमोसोलाइड और मेलोक्सिकेम। ये ऑक्सिकेम जो इनोलिक फैमिली को, इनोलिक एसिड डेरिवेटिव्स को हमने नॉन सेलेक्टिव कॉक्स कॉक्स इनहिबिटर को डिस्कस किया, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया कि इनोलिक एसिड उसकी जो सब कैटेगरी है इनोलिक एसिड डेरिवेटिव्स, वहाँ पे हमने कहा कि इनके अंदर, इनोलिक एसिड के अंदर ऑक्सिकेम फैमिली के मेंबर्स आएंगे, लेकिन यहाँ पे भी ऑक्सिकेम आ रहा है, लेकिन ये वहाँ पे इनोलिक एसिड डेरिवेटिव्स में जो कि नॉन सेलेक्टिव थे ये एक्सेप्शन है, क्योंकि ये भी ऑक्सिकेम है लेकिन ये नॉन सेलेक्टिव नहीं है, ये प्रेफरेंशियल कॉक्स टू इनहिबिटर सेलेक्टिविटी कॉक्स टू के लिए प्रेफरेंशियली ज़्यादा है इसकी, तो इसी वजह से मेलोक्सिकेम को आप वहाँ से एक्सेप्ट कीजिएगा और वहाँ पे इसकी एडिशन ना कीजिएगा। तो ये थी प्रेफरेंशियल कॉक्स टू इनहिबिटर्स। अब चलते हैं कैटेगरी थर्ड की तरफ, हाईली सेलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर। इसकी जो सेलेक्टिविटी है, इसकी जो इनहिबिटिंग पावर है, इनहिबिटिंग एफिनिटी है टूअर्ड वट टूअर्ड कॉक्स टू इन्जाइम, ये कॉक्स टू इन्जाइम को सेलेक्टिवली इनहेबिट करते हैं, ब्लॉक करते हैं, उसकी एक्टिविटी को ख़त्म कर देते हैं। और इसके अंदर ऑलमोस्ट तीन ड्रग्स आते हैं, और इन तीनों ड्रग्स को आपने किस तरह याद रखना है, साइन इसकी है कि ये कोक्साइव फैमिली भी इसको हम कहते हैं, कोक्साइव, इसके नामों में आपको कोक्साइव की वर्ड देखने को मिलेगी, दिस इज़ कोक्साइव, दिस इज़ कोक्साइव एंड दिस इज़ कोक्साइव, ये कोक्साइव फैमिली हम हाईली सेलेक्टिव फैमिली को कहते हैं। तो आपने यहाँ से हाईली सेलेक्टिव कॉक्स टू इन्जाइम के लिए क्या याद रखना है, कोक्साइव, कोक्साइव अगर किसी मेंबर ड्रग इनसाइड के मेंबर ड्रग्स में होगी तो इट्स मीन कि ये क्या है, हाईली सेलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर्स है। निमोनिक इसकी क्या है, पिल कंपनी, पिल जो है पाकिस्तान में एक रेफ्रिजरेटर्स की कंपनी है, पिल रेफ्रिजरेटर्स जो फ्रिजेस आते हैं इसी तरह होम एप्लायंसेस जितने भी हैं, तो उसमें पिल एक कंपनी है, तो पिल से आपने याद रखनी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में इसकी निमोनिक दूं, तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पिल से मुराद है प्राइमरी इफ्यूजन लिम्फोमा, पिल एब्रीवेट फॉर व्हाट इन मेडिकल टर्मिनोलॉजीज, प्राइमरी इफ्यूजन लिम्फोमा, यहां से आपने पिल को याद रखना है। तो पिल को अगर आप याद रखेंगे, सॉरी, पी मीन पेरिकोक्साइव, साइन मैंने आपको बताया कि इसके साथ आपने क्या साइन लगाना है, कोक्साइव, ई मीन इटोरी कोक्साइव, एल मीन ल्यूमेरा कोक्साइव, ल्यूमेरा कोक्साइव, पेरिकोक्साइव, इटोरी कोक्साइव, ल्यूमेरा कोक्साइव, ये इसके नाम्स हैं। अब यहाँ पे आप देखें फोर्थ कैटेगरी जो कि लास्ट कैटेगरी है, एनल्जेसिक एंटीफायरेटिक विथ पुअर इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी, इसके अंदर एनल्जेसिक पेन किलिंग एबिलिटी भी है, एंटीपायरेटिक एबिलिटी भी है, लेकिन पुअर एंटी इंफ्लेमेटरी है, इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी इसकी कम है। इसके अंदर दो ड्रग्स आते हैं और वो ड्रग्स भी बहुत कॉमन है एंड यूज हम घरों में भी इसको यूज करते हैं, पैरासिटामोल, जिसको जीएसके कंपनी जो है वो अंडर द ब्रांड नेम ऑफ पेनाडॉल बनाते हैं, पेनाडॉल एक्स्ट्रा में यही पैरासिटामोल होता है, अलॉन्ग विद दिस कैफीन की भी एडिशन होती है, लेकिन जस्ट सिर्फ पेनाडॉल में आपको सिर्फ पैरासिटामोल देखने को मिलेगा।
इसके अलावा यूएस में इसको, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इसको टिलिनॉल, टाइलिनॉल के नाम से, एज अ ब्रांड नेम के तौर पे इसको लोग जानते हैं, टाइलिनॉल। जो दूसरा नाम है इसके साथ, हाँ, केमिकल नेम इसकी है एसीटोमाइनोफेन। पेरेस्टामोल की केमिकल नेम है एसीटोमाइनोफेन, ब्रांड नेम है पेनाडाल, जिसको मोस्टली जीएसके कंपनी बनाती है, ग्लिस्को क्लींस, स्मिथ क्लींस। निफोफैम, निफोफैम भी है, ये भी एनाल्जेसिक, एंटीफायरेटिक विद हैविंग फोर एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी, ये भी इस कैटेगरीज में आते हैं। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच।